अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने तो डिनर में बनाया था। तो मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता बच्चों के लिए। उनकी फरमाइश है कि आज पास्ता बनाना है आपको, तो ये मैंने बॉयल करने के लिए पास्ता पानी चढ़ा दिया है और इसमें मैं नमक और ऑयल ऐड करूँगी और ज़रा सा विनेगर। और ये मेरा पास्ता बॉयल हो रहा है एक साइड, और एक साइड में उसको प्याज और शिमला मिर्च फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद जब ये पास्ता मेरा बॉयल हो गया है, उसके बाद इसमें मैं ऐड करती हूँ। और ये अजहान की फरमाइश थी कि उनको पास्ता चाहिए। तो अप्रॉक्स मेरा बन चुका है पास्ता, बस इसको गार्निश करना बाकी है। इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी नहीं ऐड किया है, इसमें मैंने चॉप करके डाला है टोमेटो को और मैगी मसाला ऐड किया है। मेरा बन गया है पास्ता और मैं धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। और ये सेकेंड डे का है, बच्चों की छुट्टी थी तो मॉर्निंग में बच्चों ने फरमाइश किया कि मुझे चिप्स खाना है, तो मैंने घर पे ही फ्राई कर दिया जो होममेड चिप्स होता है। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है, मॉर्निंग का टाइम है तो चाय तो ज़रूरी ही है। फिर एक साइड मैंने ऑयल भी रख दिया है फ्राई करने के लिए चिप्स, और ये बॉयल हो रहा है। मैं इसके बाद इसमें अदरक मैं ऐड कर लूँगी। और ये चिप्स मैंने निकाल लिया है, अब इसको ऑयल हो जाए तो फिर मैं इसमें इसको फ्राई करती हूँ। और फटाफट मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि अम्मा कब आप फ्राई करेंगे, बहुत टाइम लगा रही हैं। तो गैस को मैंने थोड़ा तेज करके जल्दी जल्दी फ्राई किया। छुट्टी रहती तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा छुट्टी वाले दिन बच्चे लेट में उठें, जैसे कि मेरा काम हो जाए ज़्यादातर, और इनको इसके साथ चिप्स के साथ चाय चाहिए। नहीं, वैसे मैं देती नहीं हूँ इनको चाय, ज़रा सा मैंने चाय दे दिया है, चिप्स के साथ डिप करके खाएंगे। और फाइनली मैंने अपनी चाय निकाल ली है, उसके बाद मैं आराम से चाय पीऊँगी, जबकि थोड़ी ठंडी भी हो गई है। बहुत जल्दी बारिश का मौसम है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये डिनर का टाइम है, ये मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अप्रॉक्स हो गया है ये आलू गोश्त, और ये मेरा आलू ज़रा ज़्यादा फ्राई हो गया था। इसमें देखिए काला काला दिख रहा है हल्का सा आलू। उसके बाद इसके साथ मैंने कुलचे बनाए हैं आलू गोश्त के साथ, बहुत ही डिलीशियस बना है, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा था। राइस मैंने प्लेन बनाई थी, तो ये मेरा हो गया है। मैंने इसको धनिया से गार्निश कर दिया है। उसके बाद मैंने कुलचा बनाया था, उसकी मैं रेसिपी नहीं डाली हूँ, आगे की वीडियो में मैं डालूँगी, नहीं कर पाई थी मैं इसको रिकॉर्ड। और ये मेरा कुलचा रेडी है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आई होप आपने पसंद किया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।